हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इस वीडियो में फाइनल ई एम आर एस जीएसए का कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। ये फाइनल वीडियो रहेगा कट ऑफ के ऊपर। इसके बाद तो सीधा आपका डायरेक्ट ई एम आर एस का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 7 दिन हो चुके हैं हमने जो पोल कंडक्ट कराया था उसको, और लगभग 9,500 से ज्यादा एंट्रीज हमारे पास आ चुकी है। तो इसी के ऊपर जल्दी से आपको फटाक से कट ऑफ बता देता हूँ। और अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप टाइपिंग के लिए लग जाइए। और उसके बाद अगर टाइपिंग से रिलेटेड डाउट है तो 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट है या कोई भी कुछ चीज आपको पूछनी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका अगले वीडियो में आपका वीडियो जवाब देकर बता दूंगा। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे जैसे का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, केवल जो बच्चे यहाँ पर पास होंगे वो केवल 2400 बच्चे पास किए जाने वाले हैं। यहाँ पर जो एंट्रीज आई है वो आई है 9,500। ठीक है, मैं इसमें से मान के चला हूँ कि 1500 एंट्रीज फेक मान के चला हूँ। ठीक है, कि बच्चों ने कोई और पोस्ट के लिए होगा तो उसने दबा दिया होगा, क्लिक कर दिया होगा। तो 8,000 जो एंट्रीज है मैं इस पोल के अकॉर्डिंग सही मान रहा हूँ, केवल इस पोल के अकॉर्डिंग 8,000 एंट्री सही मान रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव कार्ड के आंसर किया होने के बाद। अब देखिए, जो हमारा ये वाला क्राइटेरिया 89 से 96 वाला, इसमें देखिए बच्चे कितने ने वोट किया है, 16% है। बट मैं इसमें भी कमी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो मैंने 1500 घटा दिए, हो सकता है गलत एंट्री। मैं इसमें भी 4% की कटौती कर देता हूँ और इसको 16% ना काउंट करते हुए 12% काउंट करता हूँ। 12% अगर 8,000 का निकालेंगे, ठीक है, 8,000 का 12% हम निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 960। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें, यहाँ पर 8% था तो मैंने 8 की जगह कितना ले लिया, 6 ले लिया। 6 का निकल के आएगा आपका 8,000 का 480। और यहाँ पर 9 की जगह मैंने 7 ले लिया, 7 8 56, तो यहाँ पर 560। यानी कि टोटल इन जो आपकी मतलब 89 से 96 की जो रेंज है उसमें 960 बच्चे आ रहे हैं, इसमें 480 बच्चे आ रहे हैं, 97 से 105 और 106 से 112 में 560 बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पास होंगे। केवल और केवल 8,000 के डाटा के बेसिस पर मैं ये बात कर रहा हूँ। टोटल अगर हम करते हैं तो 0 6 और 6 12 और 8 20 की 0 हासिल आई 2, तो 2 9 11 4 15 5 20, यानी कि 2,000 बच्चे यहीं पे हो गए। कितने में से? 8,000 कैंडिडेट में से। तो 2,000 बच्चों का जो कट ऑफ का मार्क्स है वो देख सकते हैं आप, 89 के ऊपर ही रहने वाला है। कितने? 2,000 बच्चों का। अब ये जो पोल है मेरा, जो यहाँ पर क्राइटेरिया वो केवल 8,000 तक सीमित है, और ये हम मान के चले जो एग्जाम लगभग 50,000 बच्चों ने दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो आपको देख सकते हो कि हाई साइड ही रहने वाला है। ठीक है, तो केवल 2400 ही बचे हैं, तो 400 हो सकता है वो इसमें से उठा ले। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मेरा पोल जो है काफी छोटा है, 8,000 का है। 50,000 अगर एग्जाम दिया तो ये देख सकते हैं आप कि ये कट ऑफ ये इसी की रेंज में रहेगी और इससे ऊपर ही जाने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर मैं फाइनल आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि कितनी कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यू आर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो आप टाइपिंग के लिए बिल्कुल अभी सकते हैं। यू आर की अगर बात करूँ तो अगर आपके जो मार्क्स है वो 97 से 102 की रेंज में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग के लिए आपको कॉल आ ही जाएगा। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो 93 से लेकर 98 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल लग जाइए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 91 से लेकर 95 के बीच आ रहे हैं तो लग जाइए। एससी की बात करें तो 89 से लेकर 93 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो लग जाइए। एसटी की बात करें तो 87 से लेकर 91 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल जो है अपनी टाइपिंग के लिए लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा जेएससी के कट ऑफ का। ये आप लोग कमेंट कर रहे थे तो मैंने फाइनली जो हमारे 7 दिन हो चुके हैं उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना दिया। अगर इतना मार्क्स आपका आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, प्लस माइनस 2 भी है, तो भी आप बिल्कुल जो है इसकी प्रिपरेशन में लग जाएगी टाइपिंग। ठीक है, यही आपका कट ऑफ रहेगा, इससे हाई ही जाएगा, इससे नीचे रेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, प्लस माइनस 2 बस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये था आपका कट ऑफ। बाकी कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस टॉपिक पर हमें ये वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।